हमारे आज आज पुष्कर के जो भी सारे एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर चेक पोस्ट चौकियाँ स्थापित हो गई है, स्टाफ वहाँ पर लगा दिया गया है। उसका चौकियाँ स्थापित करने के पीछे उद्देश्य ये जो भी पशु की आवक है वहाँ पर वो सारी एंट्री और जो पशु बाहर जाते हैं उनकी काउंटिंग होती है, कितने पशु वो मेले में आए हैं, किस स्पीसीज के आए हैं, तो सभी एंट्री पॉइंट पर हमने चौकियाँ स्थापित कर दी है। अभी दड़ा चिकित्सालय आज स्थापित हो जाएगा जिनमें कि पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बीमार पशुओं के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगी 24 घंटे। पशु चिकित्सालय में हमारे चिकित्सालय 24 घंटे कार्यरत है, किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा के लिए हम तत्पर हैं पूरी तरह। और अभी तक जो पशु आए हैं उसमें से 284 उष्ट वंश है और 285 अशुवंश है। कुल 559 कल शाम को 4 बजे तक की हमारी जो गणना है पशु गणना उसके हिसाब से 569 पशु आ चुके हैं। आज की जो भी आवक बराबर जारी है, शाम को 4 बजे तक जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी। कितनी चौके लगी है? 12 चौकियाँ स्थापित हो। तो आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। और पुष्कर मेला 2024 जो अब की बार लगा है इसके अंदर 2023 से ज़्यादा पशु अब की बार आएंगे, क्योंकि तो पिछले साल इलेक्शन की वजह से कई जने थे जो नहीं आ पा रहे थे, और अब की बार क्या इलेक्शन का और इसका है नहीं, पशु अब के बहुत आए हैं गुजरात महाराष्ट्र पंजाब से। अब के पानी की सुविधा बिजली की सुविधा ये सब पहले ही सुचारू रूप से जैसे चालू कर दी गई है। अभी जैसे हम परसों आ गए यहाँ पर, परसों से हमारे को पानी की पूरी सुविधा मिल रही है, पानी का कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे हमारे पशुओं के लिए दिक्कत आती थी पहले, वो अब की बार हमारे को कोई पानी की पशु की दिक्कत नहीं आई है। और अब की बार क्या है, आप खुद देखो कि पहले जो 2023 में था वो इस तरफ का सारी ज़मीन फुल थी, अब दोनों तरफ ज़मीनें फुल हो चुकी हैं, मेन रोड की भी। आप दड़ों के अंदर देखोगे तो दड़ों की भी सारी फुल हो गई, जहाँ पे खेलियाँ हैं पानी की वो पानी की खेलियाँ भी पूरी भरी हुई है। आप कितने सालों से आ रहे हो और मैं भैया ऊँटे घोड़े की क्या उम्मीद लगाते हो, कितनी रेट आएगी? मैं भैया 2011 से आ रहा हूँ पुष्कर मेले में घोड़े लेके। अब ये तो व्यापार है भैया, देखो अब पता चलेगा कि भाई कितने घोड़े जो हैं अब रेट आएगी क्या होता है, क्योंकि अभी तक व्यापारी आया नहीं। पशु जो हैं 7-8 तारीख से भरेंगे, अभी कई टेंट खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अब के क्या दिवाली भी 2 हो गई, इस चक्कर में भी लोग बाग कई जगह रुक गए कि भाई एक जगह किसी ने 30 तारीख को दिवाली बनाई, किसी ने 31 को बनाई, किसी ने 1 तारीख को बनाई। हमारे आज आज पुष्कर के जो भी सारे एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर चेक पोस्ट चौकियाँ स्थापित हो गई है, स्टाफ वहाँ पर लगा दिया गया है। उसका चौकियाँ स्थापित करने के पीछे उद्देश्य ये जो भी पशु की आवक है वहाँ पर वो सारी एंट्री और जो पशु बाहर जाते हैं उनकी काउंटिंग होती है, कितने पशु वो मेले में आए हैं, किस स्पीसीज के आए हैं, तो सभी एंट्री पॉइंट पर हमने चौकियाँ स्थापित कर दी है। अभी दड़ा चिकित्सालय आज स्थापित हो जाएगा जिनमें कि पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बीमार पशुओं के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेगी 24 घंटे। पशु चिकित्सालय में हमारे चिकित्सालय 24 घंटे कार्यरत है, किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा के लिए हम तत्पर हैं पूरी तरह। और अभी तक जो पशु आए हैं उसमें से 284 उष्ट वंश है और 285 अशुवंश है। कुल 559 कल शाम को 4 बजे तक की हमारी जो गणना है पशु गणना उसके हिसाब से 569 पशु आ चुके हैं। आज की जो भी आवक बराबर जारी है, शाम को 4 बजे तक जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी। कितनी चौके लगी है? 12 चौकियाँ स्थापित।